भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंडल कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी। इस चैप्टर में पिछले टर्न पर टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिस्कसिंग किया गया था और दो टाइप के स्ट्रेन के बारे में डिस्कसिंग हो भी गया था, नंबर एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और नंबर टू वॉल्यूम स्ट्रेन। वर्तमान में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं थ्री टाइप स्ट्रेन सी शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। इसके लिए इफ दी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेज ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज नॉन एज शेयरिंग स्ट्रेन। इसकी मीन्स होते ही जब किसी बॉडी को पर डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो अब इस स्थिति में यदि डिफॉर्मिंग फोर्स की शेप में परिवर्तन होता है लेकिन वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस स्थिति में उत्पन्न स्ट्रेन को शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। बाय टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन सरफेस ऑफ ए बॉडी वाई कीपिंग इट्स अपोजिट सरफेस फिक्स्ड देन शेप ऑफ द बॉडी चेंजेज बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। मैथमेटिकली शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दी फिक्स्ड सरफेस ऑफ ए क्यूबिकल बॉडी गेट्स टर्न व्हेन टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कंसिडर ए क्यूबिकल बॉडी इट्स लोअर सरफेस एबीसीडी इज कैप्ट फिक्स्ड व्हाइल ए टेंजेंशियल फोर्स है एफ इज अप्लाइड ऑन अपोजिट फेस पीक्यूआरएस लेट वर्टिकल प्लेन्स सीआरएसडी एंड वीक्यूपीए आर लेटरली शिफ्टेड थ्रो इन एंगल थीटा देन शेयरिंग स्ट्रेन थीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल समीकरण वन फोर स्मॉल स्ट्रेन टेन थीटा बराबर थीटा होगा। थीटा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी अपर सरफेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम दी फिक्स्ड सरफेस जैसा कि फिगर में प्रदर्शित है। ऊपर अपर सरफेस एफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, नीचे वाले सरफेस को फिक्स किया जाता है, तब स्थिति में उसकी शेप में परिवर्तन होता है तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिति में उत्पन्न स्ट्रेन को शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। इससे आगे है हुक्स ला हुक का नियम। इसके लिए उंदी बॉडी बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एस्टेब्लिश्ड ए लॉ रिलेटेड टू दी इलास्टिसिटी विच इज नॉन एज नॉन लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन दी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट आई स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन और स्ट्रेस एस बराबर ई इंटू स्ट्रेन एल्फा, इसलिए ई बराबर होता है स्ट्रेस एस वटे स्ट्रेन एल्फा इक्वेशन वन वेयर ई इज ए प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट एंड इज नॉन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। कहने का तात्पर्य यदि ई का मान अधिक होता है तो ऐसी बॉडी की में इलास्टिसिटी का की प्रॉपर्टीज भी अधिक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे इस कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, सी